तो जी ये अभी अली आया है और ये कहता है जी आज मैंने शानदे और अलीना, क्योंकि ये इसके पीछे लगी हुई थी। हाँ पिज्जा। तो ये कहता है जी मामू मैं शानदे अलीना को स्पेशली जो है ना, ये कह रही थी आज 2 दिन हो गए तो पिज्जा लाया अली, अभी और ट्राई करते हैं। और ये जी कुछ सामान था, फिर मैंने इसको बोला आते आते ये ले मुझे दे दे, मैं ले आऊँ किचन में। हाँ जी नगर्स तो आपको पता है, इंसान हमारे व्यूअर्स का भी आप पता है कि शानदे के बहुत फेवरेट हैं। हाँ जी इधर से, इधर से उल्टा उल्टा वाली दूसरी तरह करो। हाँ ऐसे करो, छुरी ले आऊँ, चले मैं प्लेट्स लेके आती हूँ और छुरी लेके आती हूँ, फिर खोलते हैं। हाँ जी देखने में तो बड़ा प्यारा लग रहा है। अब देख रही हूँ ब्लैक चिकन दिख रहा है और ये मेरे ख्याल से चिकन, ये दूसरा है। हाँ जी डिफरेंट है इसमें, जल्दी अब ट्राई करेंगे। वैसे ये एक चीज काफी अच्छी, इनका वैसे होता भी मजे का है। ओ मम्मी ये चीज वाले। हाँ जी तो डाल के दें जी सबको। अलीना स्टार्ट करें आप। ओके हमने सोचा कि पिज्जा थोड़ा सा स्पाइसी है तो उसके बाद ना उसके बाद भूख लगेगी। तो ये बहुत जो है ना अली साहब लेके आया मिठाई, इसके अंदर पतीसा है, पतीसा है, ये बर्फी हो गया और ये जो है ना ये नाम इसका मुझे भूल गया है ना, लेकिन है बड़ी मजे की होती है ये ना। चलें जी ये अगर आपको पता है तो जी कमेंट में आप बता दें इसका नाम क्या है। तो वैसे मेरे माइंड से निकल गया। चलें जी प्लेट में डालें सबको। अली आप डाल के दें, मेरा आज बेटा स्टार्ट करो। खोपरा बोलते हैं ना इंग्लिश में, इंग्लिश में कोकोनट बोलते हैं। कोकोनट हाँ ये लो जी। हाय शांति कौन सा खाएगी अली? ये चिकन टिक्के वाला है, थोड़ा कम स्पाइसी होने को अलीना को डाल दो, शांति को। वैसे तो देखने में अच्छा लग रहा है। वैसे ये है कि इस ये जो अली जिस आज लाया ना जिस शॉप से, वो बड़ा मतलब ना अमजद एक दफ़ा लाए थे, बड़ा अच्छा इनका था, चीज़ वगैरह भी ठीक लगाई होती है इन्होंने। शानदे ने पिज़्ज़ा खाना है, ये लो अली तुम पता क्या करो, ये दोनों ट्राई करो ना, जिसमें मिर्चे कम है शानदे को वो वाला दो फिर। सॉरी शानदे ऊपर डाल दें। अच्छा वाह ये जी शानदे का बन गया है। और ये देखिए सारे अपने पीसीस को लगा रहे हैं। मैं भी एक पीस ले लेती हूँ और ट्राई करते हैं और देखते हैं किस तरह किसका टेस्ट है। रियली वाकई बहुत मजे का। अलीना तो आज बड़ी खुश है। अलीना देखो मामू ने तुम्हारी बात मान ली आज है। मामा तुम सारा पिज्जा तो जी ये अभी आप देख रहे हैं, ये अली क्या कहते हैं बोरी भर के लाया सामान की। तो ये मंडी से मैंने मंगवाया था कुछ चीज़ें, अब ये देख रही हूँ। आपके लिए आपको पता है सीज़न चल रहा है, सब्जी सीज़न चल रहा है। स्पेशली मेरी मामा तो बहुत डांटती है, कहती है ज़्यादातर बच्चों को सब्जियाँ खिलाया करो। तो ये इन्होंने आज आप देख रहे हैं ये मैं सारा कुछ निकाल रही हूँ, साथ साथ मैं आपको दिखाती जाऊँगी। वैसे तो हर कुछ दिन पहले भी मैंने सब्जी मंगाई थी पर रहती कसर पकड़ ना। मेरी मामा जो है ना वो बड़ी खुद भी शौकीन है खाने की सब्जियाँ, वो मुझे कहती हर वक्त बच्चों को चिकन चिकन नहीं खिला दे रहा करो, फार्मी चिकन। ये आप देख रहे हैं इतना ये बोरी जो है थी फुल थी। और ये कहें जी ये देखें जी मिर्चें, इतनी मिर्चें हालांकि मैं तो सोच रही हूँ चार ही डाल दूँ। ये देखें जी ये है मटर और ये हैं जी गाजरें जो स्पेशल सर्दियों का क्या कहते हैं असल जो चीज़ है। और अब जी इसके अंदर एक और ये कहें, हाँ जी तो ये हैं जी एप्पल। तो जी जैसे कि ये आप देख रहे हैं सारी सब्जियां, ये जी शलजम है, फूल गोभी है और ये बंद गोभी है। और मुझे देख के यकीन करें मुझे लगता है जैसे कि मैं होटल खोलने लगी हूँ। तो ये चीज़ें मैंने हर मंगाई भी थी, लेकिन यह कि फिर इतनी क्वांटिटी का मुझे अंदाज़ा नहीं होता कि किस तरह मंगाऊँ। तो फिर यह कि मेरी मामा ने जो है ना अली को बताया कि इस तरह लेके आनी है, शायद ये घर भी लेके गया हो अली। तो ये मटर हैं, तो क्यों अली घर में भी लेके गए हो? सही बात है। अच्छा तो घर में तो क्या समझते हो, महंगाई ज्यादा है पाकिस्तान में या कम है? फील होता है सऊदीया की निस्बत? ये बात है मतलब कि बाहर से आदमी आए ना तो महीना दो महीने जो है ना बंदा यही मांग लेता है। हाँ बाद में लगता है जी महंगाई हो गई हो बिल्कुल जी, दिल करता है बंदा वापस चला जाए। सही बात है, क्योंकि यहाँ पे जो पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ये है महंगाई के लिहाज से बहुत ज्यादा जो है ना फील होता है स्पेशली। और यकीन करें पेट्रोल और चीज़ें, या जैसे कि आप ये देख रहे हैं मैंने भी निकाल के रखी हैं सारी। और क्योंकि किचन जो है ना आपको पता है वहाँ से मैनेज करना थोड़ा सा, क्योंकि ये ज़्यादा बड़े पैकेट्स है, मैंने कहा इसको पहले निकालूं
फिर जो है ना टोकरियों में डाल के, जिस तरह मैंने इसको बड़ी जैसे होती है ना टोकरियां, तो फिर जो है ना अलहदा बाहर जो है ना टेरेस की साइड पे या जिस तरह भी मैंने रखना हुआ, क्योंकि किचन में इतना सामान, अब आपको भी पता है, ये तकरीबन मुझे लगता है ये जो एक एक पैकेट है ना ये 5-5 किलो का है या इससे भी ज़्यादा होगा, शायद आपको पता नहीं देखने में अंदाज़ा हो रहा है, यानी ये गाजरें भी तकरीबन 5 किलो हैं। तो बस ये अभी ये सारा सामान मैं इसको जो है ना कवर अप करती हूँ। काटने लगी हो, सीजर किधर है ढूंढो, शहर से काम कर रही है, ये बुक